वेलकम टू गोल्डन लिटिल व्यूअर्स, स्वागत है एक बार आप सबका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ बनाने जा रही हूँ सिनेमन एप्पल केक विद व्हीट फ्लावर। ये केक बहुत ही यम्मी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसको आप बनाइए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए, खुद इंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये केक बनाना। इलेक्ट्रिक बीटर ले लें, कंडेंस्ड मिल्क और ऑयल इकट्ठा बॉल में डाल दें। अब इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। वनीला एसेंस डालेंगे इसमें। अब हमें इसको एक वाइटिश कलर टर्न होने तक बीट करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पे आप इस रेसिपी को देखिए, बहुत ही एक अच्छी रेसिपी आपको वहां मिलेगी। इसको हटा देते हैं। देखिए, इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है आफ्टर 5 to 7 मिनट्स। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रख लेते हैं इस बैटर में मिक्स करने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले फ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट, सिनेमन पाउडर, ये सब छान लीजिए। छानने से आपके केक में बहुत अच्छी एयर जाती है, केक फ्लफी बनता है। अब इसमें हम धीरे धीरे 1-1, 2-2 टेबलस्पून करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और कट एंड फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस स्टेज पे आपको बीटर नहीं चलाना है। अगर आप बीटर चलाएंगे तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। इसको आप हाथ से ही मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं। 1/4 कप मिल्क लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा आप उसको डालते जाएं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लें। ओवर मिक्सिंग हमें यहाँ नहीं चाहिए है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने केक में बीटर से एयर डाली है वो निकल जाएगी और केक अच्छा नहीं फूलेगा। टूटी फ्रूटी और ग्रेटेड एप्पल, अगर आपके बच्चे ग्रेटेड एप्पल नहीं पसंद करते, आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, सेम टेस्ट आपको मिलेगा। और टूटी फ्रूटी भी आप स्किप कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। बस ये बैटर हमारा केक के लिए रेडी है। अब एक टिन को लाइन कर लें, बटर पेपर लगा लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल पेपर लें, उसको कट करें और उसको ब्रश से ऑयल करके यूज कर लें, आपका बटर पेपर बन जाएगा। ये देखिए, बैटर रेडी है। अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर से केक को एक बहुत ही अच्छी और कैरमलाइज्ड कोटिंग मिलती है, अच्छा ब्राउन कलर आएगा। इसको बेक कर लेते हैं 180 डिग्रीज पर 30 to 40 मिनट्स। ये देखिए, बेकिंग के बाद हमारा केक ऐसा निकलेगा। ये रिमूव कर दें बटर पेपर, धीरे धीरे आप इसको हैंडल करें। आप जब भी माइक्रोवेव या अवन से अपना केक निकालते हैं बेक होने के बाद, उसको हमेशा थोड़ी देर एक वायर रैक पे रखें ताकि उसमें मॉइस्चर ना बने नीचे से, और ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लें। ये देखिए, कितना अच्छा और स्पॉन्जी केक बना है, बहुत ही अच्छे पीसेस इसके कटेंगे। इस तरह से इसके पीसेस काटिए और इट्स रेडी टू सर्व नाउ। प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, नाइस एंड स्पॉन्जी। बस अब इसको आप टी टाइम पे खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, एंजॉय करिए। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से ये केक बनाया। बस छोटी छोटी टिप्स जो मैंने बीच में बताई हैं उनका आप ध्यान रखें और आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।